एक चीज सोच रही थी अभी गीतों को सुनते हुए और शीतल साठे और कबीर कला मंच के गीतों को याद करते हुए, जिसको मैंने तो सबसे पहले जय भीम कॉमरेड नाम की जो आनंद पटवर्धन की फिल्म है उसमें पहली बार सुना, शायद हम में से ज्यादा लोग उसमें पहली बार सुने होंगे उन गीतों को। तो उन गीतों में जो जान है और उन गीतों की जो स्पिरिट है उसके कॉन्ट्रास्ट में महाराष्ट्र में एक और किस्म का सांस्कृतिक प्रदर्शन अभी हाल में हुआ था। अजीत पवार जी जो हैं, उन्होंने किसानों के मामलों में, किसानों के प्रदर्शन के मामलों में, उन्होंने भी अपने तरीके की एक अपनी जो संस्कृति है उसका प्रदर्शन बढ़िया से किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई पानी नहीं पड़ रहा है और सूखा पड़ रहा है तो मैं मूत देता हूँ, शायद भर जाए, पानी मिल जाए किसानों को। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई किसान जो है वो सब अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर कट हो रहा है और किसान जो है वो अपनी खेतों का ये उसमें पानी दे नहीं पा रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है पावर वगैरह, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस किस्म के कमेंट तो अजीत पवार ने किया, तो मुझे लग रहा था कि इसमें जेल में किसको बंद होना चाहिए आजीवन। कभी कभी लगता है कि कुछ खास तरह की, इस तरह की जो मैरी एंटोनेट तरह की जो सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं, अपनी एकदम जो क्रूड किस्म की जन विरोधी किस्म के जो वक्तव्य हैं उसके लिए जो सजा मिलनी चाहिए अजीत पवार को, वही सरकार, उसकी सरकार उसको बचा रही है और सजा दे रही है। तो शीतल साठे की जो सुनहरी आवाज है, उसके साथियों की जो सुनहरी आवाज है और जो शब्द है, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर इतने सारे सांस्कृतिक संगठन हैं और हम लोगों ने जीवन में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सुना होगा, जरूर सुना होगा, सब लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन उसमें मुझे कबीर कला मंच के उसके शब्दों में खास तरह की एक बहुत मैंने खासियत लगती कि उसमें जो खुद लिखते हैं उन शब्दों को और जिस तरह की एक जुड़ाव दिखता है, बहुत जीवंत जुड़ाव संघर्षों से दिखता है, संघर्षों से सीखते हुए उससे शब्दों को लेते हुए और फिर शब्दों को लौटाते हुए, गीत बना करके लौटाते हुए, ये कोई मात्र सांस्कृतिक प्रदर्शन नहीं है और इसको पहचानते हुए ही दरअसल सरकार को इतना उससे खतरा लगता है, इतना भय लगता है। और मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह से उनके उनके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है तो इसको उन लोगों को एक टेस्ट केस की तरह लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अकेले कबीर कला मंच के साथ नहीं हो रहा है, अलग अलग तरीके से कभी किसी कार्टूनिस्ट को, कभी किसी लेखक को, कभी किसी आर्टिस्ट को, कभी किसी फिल्मकार को, अलग अलग तरीके से वो पूरा एक खास तरह की सेंसरशिप बनाने की कोशिश हो रही है और सब चीजों को ऑपरेशन ग्रीन हंट वाले फ्रेमवर्क में ढा देने की कोशिश हो रही है, जिसमें बता दिया जा रहा है कि अगर आपने किसी भी तरह से विरोध जताया, सरकार को चुनौती दी, व्यवस्था को चुनौती दी, तो आपको बता दिया जाएगा कि आप तो इस देश के लिए खतरा हैं। तो शायद बता देने का वक्त आ गया है कि वाकई में जो लोग इस देश को चला रहे हैं और जिस तरह से चला रहे हैं उनके लिए खतरा बनने का समय तो आ ही गया है, और अगर कबीर कला मंच के साथी इसमें शुरुआत किए हैं, पहल किए हैं, तो हम उनके साथ हैं। यहाँ सही कहा है जिन लोगों ने पोस्टर वगैरह बनाया है कि एकदम कहने का वक्त आ गया है कि हम लोग शीतल की आवाज में गा तो नहीं सकते, मैं तो बिल्कुल ही नहीं गा सकती, लेकिन ये कहने का वक्त आ गया है कि शीतल साठे और सचिन माली और सागर गोरखे उनके साथ हम लोग हैं, हम लोग भी शीतल साठे हैं और हम लोग भी गाएंगे, आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, सड़क पर उतरेंगे, कुछ भी करेंगे, और आप लोग को गिरफ्तार करना हो तो फिर सबको गिरफ्तार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इंकलाब जी।